हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया होगा, और अगर सफ़र किया है तो आपने इन लोगों को ज़रूर देखा होगा जो केवल अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में फूड आइटम या अन्य सामान को बेचते हैं। दोस्तों, क्या केवल ट्रेन में सामान को बेचना इतना बड़ा जुर्म है जिनके लिए RPF वाले अभियान चला चला कर इनको पकड़ रही है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिरकार RPF वाले इनको क्यों पकड़ती है, रेलवे का एक्ट और रूल क्या कहता है, क्या ट्रेन में सामान बेचने का कोई लाइसेंस या परमिशन होती है, अगर होती है तो यह परमिशन कहां से मिलती है, परमिशन को लेने के लिए कितने रुपए लगते हैं, अगर कोई पैसेंजर कंप्लेन कर दे तो कौन सा डिपार्टमेंट रेट डालता है, और भी कई सारी जानकारी की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो सारी ऑफिशियल होगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट, ऑफिशियल रेलवे एक्ट इत्यादि। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वेंडर जिनको होकर भी बोलते हैं, आखिरकार ये होते कौन हैं? तो दोस्तों, वो लोग जिनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, खुद इधर उधर घूमकर पब्लिक को अपना सामान बेचते हैं, उनको वेंडर या होकर बोलते हैं। अगर इनके पास परमिशन या लाइसेंस है तो इनको लीगल वेंडर कहते हैं, और अगर इनके पास परमिशन या लाइसेंस नहीं है तो इनको इलीगल वेंडर या होकर बोलते हैं। दोस्तों, पिछले 40 सालों में इन वेंडरों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है, और इन सब के पीछे जनसंख्या वृद्धि और देश में अनएम्प्लॉयमेंट दो मुख्य कारण हैं। और दोस्तों, ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। दोस्तों, रेलवे आखिरकार इनको पकड़ते क्यों हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे का मानना है कि रेलवे के किसी भी हिस्से से अगर कोई भी इनकम हो तो वो रेलवे को ही होनी चाहिए, इसीलिए रेलवे ने सारी खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी IRCTC को दे रखी है, ताकि फूड से जो भी इनकम हो वो रेलवे को हो। दोस्तों, रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर वही लोग सामान को बेच सकते हैं जिनके पास IRCTC से लाइसेंस प्राप्त है। दोस्तों, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर सामान को नहीं बेच सकता। इसके अलावा रेलवे में TC को भी इसलिए भर्ती किया जाता है ताकि जिन लोगों की वजह से रेलवे को होने वाली कमाई में घाटा लग रहा है उनको चालान के रूप में वसूल कर पूरा किया जा सके, जैसे कि बिना टिकट वाले यात्रियों को पकड़ना और फाइन लगाना, ताकि रेलवे को इनकम जनरेट हो। दोस्तों, रेलवे इलीगल वेंडर या होकर को मेनली दो रीजन के कारण पकड़ती है। इसमें पहला रीजन है इनकम। दोस्तों, ये वेंडर जो भी सामान प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर बेचते हैं वो सारा पैसा इनकी जेब में जाता है, रेलवे को इनसे कुछ नहीं मिलता। और दूसरा रीजन है फूड क्वालिटी। दोस्तों, ये वेंडर ट्रेन में चढ़ते हैं और सामान बेच कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर इनके द्वारा सेल किया गया फूड अनहाइजेनिक हुआ और उसके कारण किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दोस्तों, आप प्लेटफॉर्म से या ट्रेन वेंडर जिनके पास लाइसेंस है उनसे सामान खरीद कर खाते हो, और अगर उस फूड के द्वारा किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है तो रेलवे उनको पकड़ सकती है लाइसेंस नंबर या जिनको टेंडर दिया गया है उनको इन्फॉर्म करके। यही कारण है कि RPF वाले इलीगल वेंडर को पकड़ती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि RPF वाले किसी भी वेंडर को कभी भी पकड़ ले। सबसे पहले पैसेंजर के द्वारा किसी भी सोर्स से कंप्लेन आती है कि किसी लोकेशन पर चल रही ट्रेन में कुछ वेंडर अनहाइजेनिक फूड सेल कर रहे हैं। उसके बाद RPF और रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा अभियान चलाकर रेड मारी जाती है, और उसके बाद सभी इलीगल वेंडर को अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइन लगाया जाता है। तो क्या दोस्तों, ऐसे ही रोजाना ये वेंडर RPF के द्वारा पकड़े जाते रहेंगे? क्या इनको कोई परमिशन नहीं मिलेगी? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, आपके घर के नियर सब्जी मंडी तो होगी, वहाँ जितने भी शॉप जिनको रेहड़ी बोलते हैं वो कोई खुद की ज़मीन पर नहीं लगाते, वो ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। अगर वहाँ से गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं होगी तो पुलिस उनको वहाँ से हटाने का अधिकार रखती है, इसीलिए वह वेंडर एक अमाउंट वहाँ की गवर्नमेंट जैसे कि नगर निगम को एज ए परमिशन लेने के लिए देते हैं, ताकि दोनों को इनकम होती रहे। दोस्तों, वही लॉजिक रेलवे में भी अप्लाई होता है। आप रेलवे की ज़मीन पर या ट्रेन के अंदर सामान बेच कर निकल जाओगे बिना रेलवे को इनकम हुए तो रेलवे तो आपको पकड़ेगी ही। अगर आप सच में परमिशन लेना चाहते हो तो नियर के रेलवे स्टेशन पर जाकर RPF या रेलवे को कमर्शियल डिपार्टमेंट में फूड सेल करने के लिए परमिशन मांगे। अगर जो फूड आप सेल करना चाहते हो वो हाइजेनिक हुआ और सीनियर ऑफिसर को लगा कि इंसान भी सही है और फूड भी क्वालिटी का है, तो वो आपको एक अमाउंट लेकर परमिशन दे सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। और ये सब डॉक्यूमेंट इसलिए कि कल को आपके फूड से रिलेटेड कोई कंप्लेन आए तो आप पे एक्शन लिया।
दोस्तों अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि रेलवे ऐसे ही किसी को परमिशन नहीं देती। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि IRCTC टेंडर के जरिए रेलवे स्टेशन पर एक लोकेशन के लिए लाइसेंस देती है और फिर ओनर वहाँ पर शॉप ओपन करके लोगों को फूड सेल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी IRCTC से लाइसेंस लेने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सिक्योरिटी मनी और दूसरा फूड डॉक्यूमेंट और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये सब बातें तो मैंने यहाँ पर बताई थी, आई होप आप बात को समझे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि क्या इन इलीगल वेंडर के लिए रेलवे में कोई पॉलिसी बनी है, तो दोस्तों इसी पॉलिसी को लेकर 2016 में लोकसभा के अंदर उस समय के रेल मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या भारतीय रेलवे इन इलीगल वेंडर के लिए कोई नई पॉलिसी ला रही है, अगर ला रही है तो जवाब दीजिए। तब जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे जा रहे हैं, न्यू पॉलिसी कब तक बनेगी इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है और आज की डेट तक कोई भी नई पॉलिसी नहीं बनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।